तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिंह 227। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट सिस्टम इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन AKU पटना। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी अपडेट होगी सबसे पहले मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने में हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो उसके लिए आप 1 लाख जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ क्रेडिट। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे 11th में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, वैसे ही आपको मास को जो मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो KG होता है। उसी प्रकार जो हमारे सब्जेक्ट मिलते हैं हम लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में पढ़ने के लिए, तो उस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है हमारे लिए, कितना इम्पोर्टेंस है वो सब्जेक्ट हमारे लिए, तो उसके लिए जो डिफाइन किया गया क्रेडिट सिस्टम को डिफाइन किया गया है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि वो सब्जेक्ट हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। और एक क्रेडिट कैसे मिलेगा तो वो भी जान लेते हैं। तो 1 क्रेडिट इज इक्वालियंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग लेक्चर ट्यूटोरियल और 2 आवर ऑफ प्रैक्टिकल वर्क पर वीक। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 क्रेडिट जो हम लोगों को मिलेगा कि 1 लेक्चर आपको 1 आवर का होता है 1 वीक में, तो उसका हम लोगों को कितना मिलता है, 1 क्रेडिट मिलता है। उसी प्रकार बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल का आपको 1 सप्ताह में 2 आवर का 2 लेक्चर होता है, तो उसको हम लोगों को मिलता है 1 क्रेडिट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर कि आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में दिया हुआ होगा कुछ इस प्रकार का सिलेबस, तो उसको आप लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो सिलेबस दिया होगा इस प्रकार, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स है, और यहाँ पे आपको L का मतलब लेक्चर होता है, और यहाँ पे T का मतलब होता है ट्यूटोरियल क्लासेज, और P का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो देखिए यहाँ पे 3 लेक्चर और 1 ट्यूटोरियल क्लासेज और 3 प्रैक्टिकल, यानी कि 3 आवर की प्रैक्टिकल का यहाँ पे जो क्रेडिट दिया गया है वो 5.5 दिया गया है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैथमेटिक्स, तो देखिए मैथमेटिक्स में आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो यहाँ पे 0 क्रेडिट है, और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल क्लासेज के 1 क्रेडिट है, और 3 लेक्चर का यहाँ पे 3 लेक्चर यहाँ पे आपको है मैथ में पर वीक में, और 1 ट्यूटोरियल क्लासेज है जिसका क्रेडिट है वो 4 है। उसी प्रकार आपको जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लेक्चर 1 ट्यूटोरियल क्लासेज और 2 प्रैक्टिकल, इसका जो क्रेडिट है वो 5 है। तो देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दो आवर का प्रैक्टिकल है, तो 2 आवर का प्रैक्टिकल का जो हम लोगों को क्रेडिट मिलता है वो 1 मिलता है, और उसके बाद नेक्स्ट है आपको ट्यूटोरियल क्लासेज, तो 1 ट्यूटोरियल क्लासेज का यहाँ पे हम लोगों को कितना मिलता है, 1 क्रेडिट मिलता है, और 3 आवर का लेक्चर का हम लोगों को कितना मिलता है, 3। तो देखिए 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5, टोटल 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार आप लोगों का क्रेडिट सिस्टम डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आपको जो एक वहाँ पे वो PDF खोलिएगा आपको सिलेबस वाले, तो उसमें आपको इस प्रकार का भी मिलेगा। तो वहाँ पर भी आपको डीपली में समझाया गया डिफिनेशन ऑफ क्रेडिट में, यहाँ पे आवर लिखा होगा, यहाँ पे कंपोनेंट लिखा होगा, और यहाँ पे क्रेडिट लिखा गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आवर में 1 आवर लेक्चर पर वीक, यानी कि 1 आवर का लेक्चर 1 वीक में होता है, तो उसका क्रेडिट 1 है, और उसी प्रकार आपको ट्यूटोरियल क्लासेज का 1 क्रेडिट है पर वीक में, और उसी प्रकार आपका 1 आवर का लेक्चर होता है प्रैक्टिकल का, तो उसका जो क्रेडिट है यानी कि 0.5 है। तो आपको ये हो गया। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों को जो इंजीनियरिंग की डिग्री है उसको लेने के लिए, आपको BTech की डिग्री लेने के लिए आपको कितने क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि 150 या 160 आपको ज़रूरत पड़ती है आपको इंजीनियरिंग यानी BTech की डिग्री लेने के लिए, और उसमें से आपको जो 20 जो क्रेडिट है वो आपको स्वयं और NPTEL से मिलता है। तो ये क्या होती है, तो ये एक कोर्स होती है जो आपको NPTEL के द्वारा कराया जाती है। इसमें आपको IIT के प्रोफेसर और होते हैं, और आपको ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने पड़ती है, और उसको आपको सिलेक्ट करके एग्ज़ाम देना पड़ता है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है इसका, और उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको कॉलेज में जमा करना पड़ता है, और कॉलेज है वो आपको यूनिवर्सिटी को भेजती है, और फिर वहाँ से आपको वो 3 क्रेडिट की होती है, तो आपको वहाँ से 3 क्रेडिट ऐड कर देता है आपको सेमेस्टर पेपर में, और ये जो सब्जेक्ट होता है कंपल्सरी होता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट। देखिए क्रेडिट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में, आप लोगों को पता चल चुका होगा। और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पेपर कंटिन्यूस मोर क्रेडिट, जैसे कि आप
जो भी आपको ब्रांच में इम्पोर्टेंट पेपर होगा, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, उसका जो क्रेडिट होगा वो हाई होगा। तो ये जो क्रेडिट सिस्टम है वो आपको डिफाइन किया जाता है AICTE न्यू दिल्ली से। तो AICTE क्या होता है, जो हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो संस्था है उसका जो बोर्ड है वो AICTE है, वहीं से डिसाइड होता है आप लोगों को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको ये जो अपना सिलेबस लिख के भेजता है यूनिवर्सिटी के पास, और यूनिवर्सिटी है वो आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करके आप लोगों को देता है, और फिर हम लोगों पढ़ते हैं उसे। अब बात कर ले हैं व्हाट इज़ सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलती है, इसका सोर्स क्या है। तो कोर सब्जेक्ट से मिलती है, कोर सब्जेक्ट होती क्या है, तो देखिए आपको जो ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोर सब्जेक्ट। जैसे कि आप हम कंपेयर करके बता दें कि आपको वर्कशॉप हो गया या सी लैंग्वेज होगा, ये हम लोगों को कोर पेपर नहीं होता है। जो सिविल या मैकेनिकल वाले उसके लिए हम बात कर लेते हैं, तो वो हमारे कोर पेपर नहीं है, लेकिन वो बेसिक होता है जो फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन वो कोर पेपर नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसीलिए उसका जो क्रेडिट है सबसे ज़्यादा दिया गया है। उसके बाद इलेक्टिव कोर्स हैं, उसके बाद इंटर्नशिप है, जो कि इलेक्टिव को आपको फोर्थ ईयर में चूज करनी पड़ती है, और उसके बाद इंटर्नशिप है, उसके बाद इंटर्नशिप का जो क्रेडिट होती है आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन करके आपको जो क्रेडिट है, क्रेडिट का सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना पड़ता है आपको कॉलेज के पास, कॉलेज भेजती है यूनिवर्सिटी के पास, और यूनिवर्सिटी है वो आपको क्रेडिट वहाँ पे चढ़ा देती है आपको मार्कशीट में, और आपको क्रेडिट मिल जाती है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट आप फोर्थ ईयर में जाइएगा तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा, और आप प्रोजेक्ट वर्क कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और मॉक्स और स्वयं, इसके ऊपर हम बात कर लिए हैं, इसका जो तीन क्रेडिट आपको मिलती है, और ये आपको पर्टिकुलर डिफाइन होता है आपको सेमेस्टर एग्जाम में कि किसको फोर्थ सेमेस्टर में करनी है और किसको थर्ड सेमेस्टर में करनी है। इसके ऊपर मैं बात कर रहा है उसके लिए, जैसे कि सिविल वालों को थर्ड सेमेस्टर में करनी पड़ती है, मैकेनिकल वालों को फोर्थ सेमेस्टर में करनी पड़ती है इसका कोर्स। तो ये हो गया आपको मॉक्स और स्वयं। अब बात करते हैं कि सारे ब्रांच के अलग अलग सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि जो सब्जेक्ट जितना इम्पोर्टेंट होता है उसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये है सारे, ये हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। और उसके बाद बात करते हैं क्रेडिट कैसे मिलता है। तो क्रेडिट कैसे मिलता है, आफ्टर पासिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन और इंटर्नशिप से मिलता है, और उसके बाद हमको मॉक्स और स्वयं से मिलता है, और प्रोजेक्ट से मिलता है। तो क्रेडिट कैसे मिलता है ये भी हम लोगों को पता हो गया। उसके बाद हम लोगों को पता होगा एक और सॉरी उसके बाद हम बात करते हैं बेनिफिट और क्रेडिट पे। तो देखिए यहाँ पे बेनिफिट ऑफ क्रेडिट पे बात करते हैं, तो आप इम्पोर्टेंट पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हैं जो क्रेडिट लेने के लिए, और उसके बाद उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को केमिस्ट्री के लिए 5.5 क्रेडिट था, सी लैंग्वेज के लिए 5 क्रेडिट था, उस पर आपको विशेष ध्यान दे के उस आप ध्यान दीजिएगा, और उसको पेपर बैक नहीं लगने दीजिएगा, तो उसको आपको अच्छा से अच्छा क्रेडिट मिलेगा। अब बात करते हैं कि आप क्रेडिट को अपने कोर्स कंप्लीट होने तक कभी भी पूरा कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए और आपको EGD में बैक लग गया, तो आप उसको अपना फोर्थ ईयर तक आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और उसको आप लोग को क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये रहा आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम CGPA यानी CGPA के ऊपर वीडियो लाएँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं तो कभी कभी हमसे कुछ बुला जाता है, जो पढ़ना कुछ और रहता है, पढ़ा कुछ और जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सजेस्ट करते रहिएगा हमें कमेंट बॉक्स में कि हमें और आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए।